नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। आलम यह है कि दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 16 दिसंबर को दिल्ली का पारा 3 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। दिल्ली NCR और उत्तर भारत में सर्दी जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी, मैदानी इलाकों में इतनी ही ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का तापमान अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। पहाड़ों की यही बर्फबारी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी रहने वाले लोगों को कपकपा रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में 17 से 18 दिसंबर को बारिश होने का अनुमान है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतम हिस्सों में कोहरे का असर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ठंडी हवाओं के चलने से दिल्ली NCR और UP की एयर क्वालिटी यानी कि हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। इन राज्यों की ज्यादातर जगहों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला 18 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से ढका हुआ है, जबकि उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग, औली और बागेश्वर में भयंकर बर्फबारी हो रही है, तो हिमाचल के लाहौल स्पीति से लेकर मंडी में भी बर्फ ही बर्फ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।